हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो RGPV भोपाल, इसमें एडमिशन लेने के लिए कितना स्कोर कार्ड चाहिए आपको, एडमिशन प्रोसेस जो भी होते हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सारे डिटेल्स आपको दी जाती हैं, क्या क्या सारे प्रोसेस होते हैं आपको। और ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गूगल सर्च पर क्लिक करना है और सर्च करना है। ठीक है, तो सर्च करते हैं तो ये फर्स्ट वाले लिंक पर एग्जैक्टली क्लिक कर देना। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पैटर्न सिलेबस के बारे में आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या देखते थे, रिलीजिंग सुन फॉर द भोपाल वॉज रिकोगनाइज इन 1998 में, ये जो यूनिवर्सिटी है इसे उस समय फॉर्म किया था, फाउंड किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सामने आपके फॉर्म है, इस फॉर्म को काफ़ी इंपॉर्टेंटली फिल कर देना। जो सामने आपके फॉर्म है, आप इस फॉर्म में अपना नाम टाइप कर देंगे, ईमेल आईडी क्या है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर देंगे, मोबाइल नंबर, स्टेट बता देंगे, कौन से स्टेट के सिटी से बता देंगे, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है आप, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, और ये सारी चीज़ें लेकर के आपको गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक कर देने होंगे। RGPV भोपाल में जो एडमिशन शुरू, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपका करेंगे तो इससे क्या होता है कि RGPV के रिलेटेड छोटे छोटे बड़े से बड़े इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू। ओके, तो राजीव गांधी, ओके। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। जैसे देख सकते हैं कि आप बीटेक, बी फार्मा, बी आर्किटेक्चर पार्ट ऑफ द अंडर ग्रेजुएशन के सारे पार्ट हैं। ये पार्ट जो है प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल करती है ये यूनिवर्सिटी, MTech, MPharma एंड अंडर ग्रेजुएशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर ये सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है ये यूनिवर्सिटी। आपको ये इंफॉर्मेशन जाननी है जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजल्ट, एग्ज़ाम डेट, कैसे अप्लाई करना होता है, सब कुछ यहाँ पर इजीली आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो कोर्स ऑफर किया गया है इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो यहाँ पर देख लेना चाहिए। यहाँ पर UG PG में डॉक्टरल, पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे, अंडर ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, आपको आगे चलते से पहले, आगे जाने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा। देश के टॉप 11th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके नाम बता देता हूँ आपको। UPES यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोइंका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव सिन्हा यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU, काजीरंगा यूनिवर्सिटी, इन सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो एडमिशन स्टार्ट है। आपको जिस किसी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्ट या फिर अप्लाई करना होगा, जिस किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देश के 11th यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, इसमें देश के हर एक बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। क्यों आएंगे नहीं, देश के हर एक बच्चे इसमें पढ़ने के लिए आएंगे और इसमें अप्लाई करके अपनी एडमिशन ले लेंगे और अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे। तो मैं अगर इस आपकी जगह होता तो ज़रूर अप्लाई करता इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, और कुछ भी होता, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर हाईलाइटेड चीज़ें दी गई है कि आपको यूनिवर्सिटी का नाम तो जानते ही, आप फुल फॉर्म इसका राजीव गांधी प्रौद्योगिकी और विश्वविद्यालय। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं, कोर्स ऑफर करते हैं, UG PG अदर कोर्सेस भी ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी। आपको एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड से आएगा, एग्ज़ाम मोड यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर के, टेलीफोन नंबर के लिए आपको प्रोवाइड कर देगा, एड्रेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, एड्रेस देख सकते हैं, ईमेल आईडी देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको दे देगा। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट, और यहाँ पर आप जो है हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं जो भी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी गई, इंपॉर्टेंट डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि कैसे देखते हैं इस डेट को। जैसे कि आप इवेंट है आप, तो इस ये इवेंट क्या है कि अप्लीकेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन का डेट है वो कभी रिलीज़ होगा, ये सबके मन में क्वेश्चन आता है। तो वो डेट देखनी है कब, कहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या डेट लिखी हुई, लास्ट वीक ऑफ सितंबर, तो ये टेंटेटिव डेट से, लेकिन आपको ऐसे ही डेट देखनी है, बता देता हूँ, लास्ट डेट वीक ऑफ सितंबर। तो लास्ट वीक सितंबर को आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा, फिर लास्ट डेट कभी एप्लीकेशन फॉर्म का, थर्ड वीक ऑफ नवंबर में, तो थर्ड वीक ऑफ नवंबर में लास्ट डेट है, उससे पहले मुझे भर के ये सबमिट कर देना होगा। तो समझ गए आप, फिर अवेलेबल कभी होगा एडमिट कार्ड। तो इस तरीके से आपको चेक करना, आगे देखते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको RGPV के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाती है, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करनी होगी, जो भी सारे स्टेप बाय स्टेप हैं और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, 10th के 12th के मार्कशीट वगैरह, बैचलर्स के मार्कशीट, मास्टर के, जो भी आपके जितने भी आपने कंप्लीट किया कोर्स वगैरह, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जितने पास आपके पास है, सब कुछ यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कितना चाहिए रहता है, जैसे कि फॉर डिप्लोमा के लिए यहाँ पर बोला गया, कोर्स डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग फार्मेसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, जैसे कि सिक्योर किया जाना चाहिए, मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास,
ओके, तो बस इतना तो चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, मेरिट मेरिट प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट पे बेस्ड है ये। ओके, आप यहाँ पर क्या देखे थे? फॉर भोपाल बी टेक, बी आर्किटेक्चर, बी फार्म, यहाँ पर कोर्स देख सकते हैं कौन सा, बी बी टेक। ठीक है, तो अब बी टेक में यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कितनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेलेक्शन प्रोसेस, तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने हैं कि कौन कौन से, किस तरीके से, क्या कितनी स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी कैसे होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगे, इन टेक ये भी देख सकते हैं। ओके, तो फिर ऐसे भोपाल पीएचडी के लिए बोला गया, पीएचडी कोर्स है, स्पेशलाइजेशन यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता दी गई है कि 60% मार्क्स ये रहता है, मास्टर एमफिल कोर्सेज डिग्रीज में, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स ये रहता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया बोले गए हैं। आगे चलते हैं जो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में बताए गए, तो एग्ज़ाम पैटर्न्स में आते हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करनी है एग्ज़ाम, जब आप कंप्लीट एग्ज़ाम अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो प्रिपेयर ही नहीं किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या, वो भी तो जानना है, तो आपको क्या करना होगा, तो प्रिपेयर करना होगा पहले। तो प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है, सिलेबस में क्या क्या रिलीज़ होने वाला है, फिर और जितने एग्ज़ाम पेपर पैटर्न्स होंगे उसके बारे में मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ पर प्रीवियस टू द एग्ज़ाम्स यू मस्ट स्प्लिट टाइम इनटू ईच पोर्शंस, तो आपको जितने भी पोर्शंस होंगे सारे पोर्शन को बंटवारा करना है, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को पढ़ने। दोज हु हैव कंपेरिजिव नॉलेज अबाउट द अमाउंट ऑफ द टाइम्स, या फिर जिसको भी टाइम की वैल्यू है वो बहुत मेहनत करेगा और पढ़ेगा, और टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, स्टडी करना है, और जितने भी सारे प्रोसेस है आपको कंप्लीट करना है, टाइम टेबल पे आपको सारी चीज़ें करनी है, यही प्रिपरेशन टिप्स हमको सिखाती है, यही प्रिपरेशन टिप्स को फॉलो करना। अब आगे चलते हैं जो एडमिट कार्ड की बात आती है, एडमिट कार्ड आपको कहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है, एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड चाहिए रहता है, एडमिट कार्ड आपको इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, RGPV के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाता है, वहाँ से एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके आपको लेकर के जाना होता है स्कूल। अब यहाँ पर स्टेप टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड कैसे करना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड को यहाँ पर बता दिया गया, मैंने बताया भी आपको, अभी अगर जानना है तो आप पढ़ के आगे कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे रिजल्ट के लिए आप बात करते हैं, आप एग्ज़ाम भी दे दिए, अब रिजल्ट भी चाहिए आपको, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, रिजल्ट RGPV के ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा ऑफिशियली, आप उसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से पहले, उससे पहले आपको लॉग इन करना होगा, फिर डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेसफुली, डाउनलोड करने का स्टेप भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एडमिशन्स प्रोसेस, एडमिशन शुरू हो जाती है ना, उसके बाद काउंसलिंग, एडमिशन वही होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UG PG कोर्सेस कंप्लीट द बोथ ऑफ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स वेल मेरिट के बेस पे होता है, और यहाँ पर BE BTech जो भी है थ्रूली किसके थ्रू BTech, अगर अब अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको जो है कुछ भी डाउट अगर होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ वीडियो जो फीचर पाने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का लिंक है, क्लिक करके जरूर चेक कर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।